कम बैक मैच चैनल दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट थी दोस्तों ठीक है जो झारखंड बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो ठीक है चलिए दोस्तों चलते आगे की ओर हम दोस्तों देखिए कि मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है दोस्तों सेट आपका सो सेट थी दोस्तों आपका जो है सो मैथ दोस्तों आपका सब्जेक्ट है सो ठीक है यानी गणित दोस्तों ठीक है क्लास दोस्तों आपका टेन क्लास के लिए वीडियो तो है देखिए आपका जो टोटल प्रश्न की संख्या को रहेगा कितना उनचास सो क्वेश्चन आपका रहेगा ठीक है उसने की आपको, तो आपको उस टोटल तो बताओ आगे जो आपका नब्बे नगर एग्जाम में से पूछ जाएगा टाइमिंग जो आप करेगा तीन घंटा से हो ठीक है बच्चों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो तो ठीक है साथ ही बच्चों क्या करके बेल बटन को प्रेस कर ले आप तक तो बच्चों क्या हो कि आपको मैं वीडियो इस चैनल पर रेगुलर क्लास टेन का बच्चों डालते रहता हूँ ठीक है और रेगुलर आपको तैयारी एग्जाम का विशेष में करा रहा हूँ बच्चों वीडियो अच्छा लग रहा है देखने में बाद दोस्तों तो वीडियो क्या करें कि थोड़ा दोस्तों से शेयर भी सब कर दे ठीक है और बच्चा रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि आप लोग पेन और कॉपी से लेकर बैठिए ठीक है ठीक है मैं इसमें सारे बच्चों क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ आ से आ जाएगा ठीक है इससे आगे इससे मॉडल क्वेश्चन पेपर से आपका एग्जाम दोस्तों होगा ठीक है चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कॉपी पेन आप लेके बैठिएगा ठीक है तो बच्चों क्या बोल रहा है आगे कि मैं इसमें वीडियो आपको से कराऊंगा सेक्शन सी का सोलूशन दोस्तों पूरा ठीक है तो सेक्शन सी बच्चों में कराऊंगा अब बच्चों सेक्शन ए और बी का बच्चों क्या करें डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक डाल दिया जाकर बच्चों देख लीजिए वीडियो नहीं देखें तो अगर देख दे कोई दिक्कत नहीं हो तो ठीक है अगर नहीं देखा देख, देख लीजिए सेक्शन ए और बी का सो ठीक है उसको भी क्या करें कॉपी में नोट डाउन से कर ले बच्चों में चैनल के मैं आपको पढ़ाता हूँ रियल में सो ठीक है ऐसे नहीं खाली वीडियो दिखाकर भागा दूँगा मैं आपको इस बोल रहा कॉपी में नोट डाउन की ताकि आपको याद रहेगा वीडियो कितना बार देखिएगा एक सौ दो बार देखिएगा ठीक याद नहीं रहेगा लेकिन मैथ जितना रगड़िएगा उतना क्या 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 आगेगा उतना आपको फाइन दोस्तों होगा ठीक है क्या कह कॉपी और पेन लेके बैठिए समझा गया ना चलो देखते हैं सेक्शन सी जैसे चलते हैं ठीक तो है तो देखिए फ्रेंड सेक्शन सी में क्या कहता है प्रश्न संख्या आपको मैं कराऊंगा इकतालीस से पैंतालीस जो आपको चार अंक तो हर क्वेश्चन अंकेगा चार अंक सुटेगा ठीक है तो पहला तो क्वेश्चन आपका जो तो है इकतालीस में क्वेश्चन दोस्तों बोरा क्या विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल और सेक्स ज्ञात करें दोस्तों क्या बोला आपको जी एक्स से क्या करना है कि पी एस को भाग देना सो ठीक है क्या इस बार निकालना हमको इसमें भागफल और शेषफल दोस्तों ठीक है चलिए दोस्तों निकालते हैं इसको हम भागफल शेषफल दोस्तों आगे की ओर अभी मैं इस वीडियो को पूरा सोल्यूशन दोस्तों करूंगा ठीक है तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों क्वेश्चन इकतालीस में कि बच्चों क्वेश्चन में पहले से पढ़ चुका हूँ ठीक है अभी मैं क्या करूँगा इसको क्या करूँगा जी एक्स से क्या करना है हमको पी एक्स को भाग देना सो ठीक है तो आपको जी एक्स को यहाँ पहले मैं में जी एक्स बराबर तो होता क्या है कि एक्स स्क्वायर माइ प्लस वन माइनस एक्स होता है कि आपका इस समीकरण के रूप में सो नहीं है ठीक है तो उसको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर होगा कि माइनस जो एक्स पे एक जाएगा आपका ठीक है प्लस वन दोस्तों चल जाएगा ठीक है तो इस तरह तो तो आपका हो जाएगा ठीक है यानी कि जी एक्स का वैल्यू आपका ये जो हो जाएगा फाइनली यानी कि जी एक्स बराबर हो जाएगा उसका तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस तो एक्स प्लस उस वन हो जाएगा ठीक है अब क्या करना है ना? आपको इससे क्या करना है कि इसको भाग देना पी एक्स को ठीक है चलिए लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस दोस्तों वन हो गया ठीक है दोस्तों फिर क्या करना है इसको यहाँ पर उसको उतारना है एक्स का पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस हो गया फाइव देखिए दोस्तों इतना समझिए क्या करना कि आपको कि दोस्तों देखिए अभी जिससे क्या करना कि यहाँ पर देखिए अब एक्स का पावर मिलाए तो इसलिए एक्स का पावर है कितना दो सौ एक्स का कितना पावर से देखिए पावर सो चार दो सौ ठीक है तो पहले सिंपल सिंपल इससे बनाएंगे दो एक्स का पावर कितना दो है जहाँ कितना तो चार आपका ठीक है कितना घाट रहा आप कितना इसमें गुना करेंगे एक के पावर में कितना घाट में को एक्स से गुना करेंगे तो कितना सौ जगह का पावर आपका देखिए फोर हो जाएगा हो जाएगा कि ना समझे तो इस तरह आपको देखना है कितना घट रहा तो आपको एक्स स्क्वायर घट रहा एक् एक्स स्क्वायर घाट पर उसको लिख देना ठीक है अब क्या करना है इसको इससे गुना करना तो एक्स तो एक गुना, एक गुना करें एक् स्क्वायर कितना एक् एक्स स्क्वायर कितना एक्स स्क्ना कितना जाएगा एक्स के पावर सबको फोर हो जाएगा तो ठीक है क्योंकि माइनस तो क्या क्या जाएगा आपका यहाँ माइनस लिखा जाएगा ठीक है प्लस माइनस तो माइनस हो जाता है ठीक है तो आपको फिर समझिए आप यहाँ एक्स बच्चा यहाँ पर एक्स स्क्वायर स्क्वायो ठीक है तो यहाँ क्या जाएगा एक्स का बच्चा पावर आपका क्यू दोस्तों हो जाएगा ठीक है फिर समझते होगा क्या करना कि प्लस दोस्तों आपका यहाँ प्लस का प्लस को जगह वन आप जहाँ कितना है एक्स स्क्वायर कितना यहाँ करेंगे तो यहाँ पर जाएगा प्लस एक्स का स्क्वायर दोस्तों ठीक है तो जबकि इस तरह से तो आप क्या करना है पर हो जाएगा दोस्तों ठीक है फिर उसको क्या करेंगे यहाँ पर तो सबका साइन दोस्तों क्या होगा चेंज हो जाएगा ठीक है देखिए यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस होगा यहाँ माइनस यहाँ से फिर हो जाएगा प्लस ठीक है या माइनस प्लस तो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस दोस्तों ठीक है जो काटेगा उसको काट देंगे तो यार ये क्या होगा आप कट जाएगा दोस्तों काट देंगे इसको ठीक है फिर घट जाएगा तो फिर जीरो पे कोई दिक्कत नहीं अब देखिए दोस्तों क्या है कि माइनस थ्री देखिए माइनस थ्री जो है सो और माइनस थ्री एक्स एक्स हो गया ठीक है माइनस थ्री एक्स ठीक है सर गया ना माइनस थ्री एक्स स्क्वायर हो गया फिर यहाँ पर क्या है कि एक्स स्क्वायर तो इसमें क्या करें इसमें इसको घट मतलब घटाना है तो उसमें यहाँ पर क्या है माइनस साइन यहाँ पर सो है तो क्या हो गया आपका ये तो माइनस देखिए माइनस यहाँ पर आप यहाँ पर माइनस दोनों तरफ आप क्या दोनों यहाँ में जुड़ जाएंगे तो जगह माइनस हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर समझिए कैसे हो समझिए कुछ समझाते हैं आप देखिए तो माइनस तो थ्री हो गया एक स्क्वायर और फिर क्या करें नीचे आपको फिर माइनस है एक्स स्क्वायर तो दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो देखिए दोनों से बड़ा सा कौन आपका है? तीन बड़ा सो कौन साइन है माइनस या कुछ यहाँ माइनस उतर जाएगा ठीक है और क्या करना है कि दोनों जुड़ जाएगा देखो तीन और कितना हो जाएगा चार हो जाएगा ठीक है एक्स स्क्वायर पर जब एक्स स्क्वायर हो जाए तो इसी तरह यहाँ पर लिखिए हम दोस्तों ठीक है क्या करना फिर समझिए आगे और यहाँ पर देखिए उसके बाद दोस्तों कि देखिए एज डिफेक्ट है ऐसे उतर जाएगा तो समझे कि इसको आपको छोड़ देते गलती छूट गए समझे ना तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर प्लस चल जाएगा यहाँ से कितना हो जाएगा तो प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स का क्यू दोस्तों ठीक है एक्स की आपको छोड़ना नहीं है ठीक है आपको तो गलती छूट गया दम से फिर क्या करना आपको प्लस तो यहाँ पे प्लस बचेगा फोर एक्स बचेगा तो फोर एक्स उसको क्या करना है आपको लिख लेना आपको यहाँ फोर एक्स दोस्तों ठीक है तो सो इतना करने के बाद समझिए आ गया आप कि अब देखिए बच्चों इसको क्या करना है कि भाग देना ठीक है यहाँ पर एक्स का तो कितना पावर है थ्री दोस्तों ठीक है तो यहाँ इससे भाग देंगे पूरा सब लोग तो एक्स पावर यहाँ टू दोस्तों है इसमें हम लोग कितना एक्स को गुना अगर कर देते हैं दोस्तों कितना हो जाएगा मेरा स्वा? तो एक्स के पावर थ्री सो आ जाएगा मेरा ठीक है तो क्या करें यहाँ पर प्लस लिखेंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है यहाँ पर उसको प्लस है आपको इसलिए यहाँ पर क्या लिखेगा आपको इसको प्लस लिखा जाएगा ठीक है कितना लिखेंगे एक्स के पावर थ्री देखो एक्स एक्स प्लस गुना करें एक्स का कितना तो आपको एक्स पावर थ्री हो जाएगा ठीक है तो माइनस देखिए यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर क्या है आपको प्लस तो प्लस माइनस होगा माइनस होगा गुना करने के पास ठीक है दोस्तों फिर समझिए तो आ गया कि और कि देखिए अब एक्स का एक्स का कितना यहाँ कितना है एक सौ होता है कितना आपका से गुना करें तो एक्स का आपका स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर तो आपका एक्स स्क्वायर हो गया कि प्लस यहाँ पर क्या बच्चों प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस प्लस ठीक है कितना आपका यहाँ एक्स हो जाएगा ठीक है उसके तो आगे तो, आगे आगे सबका साइन क्या होगा चेंज हो जाएगा ठीक है तो प्लस साइन यहाँ, यहाँ हो जाएगा माइनस यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस साइन प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस सो ठीक है सब साइन क्या होगा चेंज हो गया ठीक है और ए आज क्या आपस में कट गया ठीक है ये प्लस साइन चला गया यहाँ दोस्तों ठीक है तो क्या हो जाएगा आपस में देखिए प्लस साइन चला गया तो फोर में क्या होगा क्या आपको फोर में एक घट जाएगा कितना बचेगा तो बचेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर से बच जाएगा ठीक है ये माइनस चला गया यहाँ दोस्तों ठीक है तो फोर में घटेगा एक कितना बचेगा तो यहाँ पर बचेगा प्लस दोस्तों हो जाएगा आपका थ्री एक्स दोस्तों बच जाएगा ठीक है इतना आपको बच गया देखिए आगे चलिए दोस्तों ठीक है ठीक है माइनस तो यहाँ पर आपको लगा हुआ ठीक है क्या करना आपको कि यहाँ माइनस है यहाँ से तो क्या आपका प्लस तो प्लस माइनस आपको यहाँ माइनस से लिखा गया समझे ना उसको क्या करना है कि आपको तो देखिए थ्री लिखा हुआ है यहाँ पर क्या वहाँ तो पर थ्री से तो नहीं है ठीक है तो एक्स स्क्वायर यहाँ मिल गया यहाँ पर एक स्क्वायर पर लिखा हुआ है क्या लिखना उसको एक्स अगर थ्री से लोग गुना करते हैं यहाँ पर अगर हम लोग इसमें इस समीकरण करेंगे थ्री से गुना करते हैं तो आपको थ्री एक् एक्स स्क्स मिल जाएगा ठीक है तो आपको यही से यहाँ लाना है ठीक है तो फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर थ्री से यहाँ पर हम लगा देंगे ठीक है क्या करेंगे यहाँ थ्री लगा दीजिए ठीक है अब क्या करेंगे थ्री एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे थ्री से कितना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा उसको हो जाएगा आपका कि माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा ठीक है ठीक है माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा आपको आप प्लस हो जाएगा ठीक है प्लस आपको साइन दे देना है उसके बाद एक्स को गुना करेंगे थ्री से तो कितना हो जाएगा आपका तो आपको हो जाएगा उस तो पर हो जाएगा तो थ्री एक्स हो जाएगा ठीक है प्लस का दो तो प्लस और माइनस को क्या होगा आपको यहाँ पर फाइनली माइनस हो जाएगा दोस्तों माइनस ठीक है वन को ना करेंगे थ्री से कितना आगा? तो होगा तो थ्री से हो जाएगा ठीक है तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे लास्ट में अब आप, आपको साइन देखो चेंज करना पड़ेगा यहाँ माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस साइन प्लस यहाँ हो जाएगा तो माइनस माइनस में तो हो जाएगा प्लस साइन जो ठीक है सब साइन दोस्तों आपस में चेंज हो गया अब क्या करना जो जो कटेगा उसको काट देना ये कटेगा प्लस माइनस तो आपको क्या होगा कट गया ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा कि ये पी माइनस यहाँ चला जाएगा तो ये भी तो क्या होगा आपस में कट जाएगा फिर घटेगा तो जीरो बचेगा ठीक तो समझ दो आप यहाँ पर कि आपको ये तो फाइव लोग गलती से छूट गया था तो इस फाइव को दोस्तों आपको क्या करना कि यहाँ पर उतार ही लेना था ठीक है आपको फाइव को यहाँ पर से उतार लेना था देखिए आप क्या होना कि फाइव आपको छोटे से उतार लेना डीजिए उसको ठीक है अब पाँच में क्या होगा कि तीन घटेगा कितना तो बचेगा आपका तो उसके बाद पाँच और तीन सौ कितना हो जाएगा पाँच तीन आपका देखिए आठ हो जाएगा तो आठ क्योंकि तो प्लस चला गया यहाँ पर ठीक है तो पाँच दिन कितना हो गया आपका आठ हो गया तो तो समझिए आप आगे इसको आपको लिख देना पड़े इस तरह से कि भागफल तो कितना आ गया आपका तो भागफल देखो इसको बोलते हैं दोस्तों ठीक है आपको शेषफल दोस्तों इसको बोलते हैं शेष बचा बचास समझेंगे तो भागफल आपका ये हो गया शेषफल फल आपको ये लिख देना आप भाग भागफल भाग दोस्तों बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री दोस्तों ठीक है तथा तो स्था स्था क्या हो गया आपका शेषफल दोस्तों शेषफल तो इसी को बोलते हैं हम ठीक है शेष फल दोस्तों ठीक है शेषफल कितना हो गया आपका आठ हो गया सो जो क्वेश्चन हो क्वेश्चन क्वेश्चन इकतालीस का आठ हुआ दोस्तों ठीक है क्या बोला गया सिद्ध करें रूट तीन अपरेम संख्या है दोस्तों बोला रूट तीन क्या अपर संख्या इसको सिद्ध करना ठीक है जैसे उसको सिद्ध करते हैं तो यहाँ पर लिख लिया पहले हाल ठीक है तो क्या कह रहे हैं पहले यहाँ पर लिखना यहाँ पर इसको जैसे हम लोग उल्टा उसको मानना पड़ेगा पहले मानना पड़ेगा कि रूट थ्री आप परेम संख्या क्या परेमय संख्या पहले हम मानते हैं माना कि रूट थ्री एक परेमय संख्या है जैसे इसका उल्टा आपको मानना ठीक है जो आपको दिया हुएगा अपेमय संख्या है दोस्तों ठीक है माना क्या हम लोग की माना की रूट थ्री है वो परिम संख्या दोस्तों ठीक है फिर क्या करेंगे आगे हम उसके दोस्तों की आपको लिखना पड़ा है रूट थ्री सो लिख देना फिर क्या करना लो यहाँ परिम संख्या होता है पी बटा क्यू के रूप में दोस्तों तो होता है ठीक है आपको मालूम होगा जहाँ दोस्तों ठीक है जहाँ से तो क्या होता है यहाँ पर जहाँ पर आपका जो होता है एस सी एफ क्या हो दोस्तों एस सी एफ जो होता है दोस्तों कि पी और क्यू दोनों के बराबर तो वन होगा ठीक है और क्या होगा कि क्यू आपका जो होगा दोस्तों और क्यू आपका जीरो नहीं होना चाहिए तभी बच्चों क्या होगा आपका परिम संख्या तो कहलाएगा समझाएगा अब देखिए आपको क्या करना है इसको ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो p बराबर निकल जाएगा आपका हो जाएगा सुन, रूट थ्री और q दोस्तों ठीक है यानी कि इसको ये मल्टीप्लाई p बराबर निकल के p तो आपका नीचे गुना हो जाएगा ठीक है तो जब बराबर को तोड़ते हैं तो इस तरह इसको गुना होगा p गुना होगा वन से कितना होता है पी हो जाएगा इसको को गुना करेंगे इसमें तो रूट थ्री क्यू दोस्तों हो जाएगा ठीक है आपका देखिए आगे चलिए दोनों तरफ क्या करेंगे वर्ग दोस्तों करेंगे आप ठीक है दोनों तरफ वर्ग करने पर दोस्तों दोनों दोस्तों क्या करेंगा? करेंगा। उनके करेंगे वर्क करेंगे उनका स्क्वायर करेंगे दोनों दोस्त ठीक है तो p का स्क्वायर सो कितना हो जाएगा आपका फिर बराबर तो रूट थ्री क्यू दोस्तों उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे आप ठीक है तो p का स्क्वायर तो आपका p हो जाएगा ठीक है p स्क्वायर से बराबर सो क्या जाएगा रूट रूट क्यू रूट हम लोग किसका रूट अगर हम लोग तीन का स्क्वायर सो करते कितना सो जाएगा तो आपको उस पर थ्री हो जाएगा ठीक है क्योंकि मालूम है कि रूट थ्री गुना रूट थ्री जब करेंगे तो कितना थ्री हो जाएगा उसका आपको समझेगा ना इसलिए थ्री हो जाएगा क्यू का क्या क्या होगा आपका स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर समझिएगा समीकरण दोस्तों वन मान लीजिए आप ठीक है यहाँ पर समीकरण वन ठीक है देखिए उसके बाद क्या करना है कि आपको आपको निकालना है यहाँ पर क्यू स्क्वायर बराबर से तो क्या था ये चल जाएगा आपका भागा चल जाएगा इसमें ठीक हो जाएगा तो पी स्क्टे सो थ्री समझिएगा ना पर चेतना आप आ गया चलिए अब आगे क्या करना लिखना से लिखना आपको इसलिए है कि क्योंकि पी स्क्वायर थ्री से विभाजित होगा दोस्तों ठीक है इसको लिख देते हैं यहाँ पर इसलिए पी भी थ्री से दोस्तों होगा ठीक है में हो गया दोस्तों समझ आ गया और कि तो लिखना है पुनः दोस्तों ठीक है पुनः माना दोस्तों फिर हम लोग मान लिए क्या माना पी बराबर थ्री आर जहाँ बच्चों आर क्या है पुनः दोनों तरफ तो से क्या करते हैं वर्क करते हैं उसको ठीक है दो तो लिखते हैं दोनों का स्क्वायर हो जाएगा बराबर हो गया आपका

यानी कि दोनों तो 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 दोनों क्या हो गया पी एक्वा पे दोस्तों आपका है ठीक है जहां पर सेक्कर टू में समीकरण वन में पीए स्क्वायर आपका थ्री क्यू स्क् आपको दोनों क्या करना आपको सिंपल से यहाँ पर लिख देना ठीक है दोनों जब बराबर पसंद दोस्तों हो होगी क्या करना सिंपल समझिए आप आगे की पी आपको लिख देना क्या थ्री क्यू स्क्वायर देखिए आपको लिखा होता है थ्री क्यू स्क्वायर ठीक है बराबर से आपको हो जाएगा कि पी कितना समीकरण टू में नाइन आर स्क्वायर दोस्तों हो गया ठीक है आपको जो ये आपको मिल गया ठीक है अब क्या समझिए ये यार ये दोस्तों कट जाएगा आपका ठीक है तो तीन तीय कितना दोस्तों आपका लोग यहाँ पर तीन ती आपका हो जाएगा नो दोस्तों हो जाएगा तीन ती आपका नौ ठीक है तीन तीन कट जाएगा तीन तीर नौ कट गया ठीक है सो तो फाइनली आपको बच जाएगा यहाँ पर इस तरह से कि क्यू का स्क्वायर हो जाएगा बराबर थ्री आर स्क्वायर दोस्तों ठीक है सो इतना बन गया दोस्तों ठीक है तो समझिए इसको आपको निकालना आर का वैल्यू निकालना है आप तो आर का वैल्यू क्यों निकालेंगे समझिए कि आर स्क्वायर लिख देंगे हम लोग ठीक है बराबर से हो गया क्यू का स्क्वायर बटा सो गया थ्री को अपन नीचे लेना पीछे चल जाएगा आपका भाग में ठीक है अरे निकालेंगे तो हम लोग समझेंगे ना तब लिखेंगे सबको दोस्तों कि क्यू स्क्वायर ठीक है तीन से विभाजित है इसलिए क्यू भी तीन से विभाजित होगा दोस्तों ठीक है आपको लिख देना आप आपको लिखना आप आता। पी और क्यू दोनों थ्री से विभाजित है अर्थात दोनों में उभनिष्ठ गुणखन तीन है बच्चों ठीक है यह विरोध भाव से लिखना या विरोधाभास ठीक है स्क्वायर लिखना या तो सबको नंबर नहीं मिलेगा ठीक है अंतर को लिख देना रूट क्या रूट थ्री एक अपरिमय संख्या तो क्या अपरिमय संख्या है अपरिमय संख्या है दोस्तों ठीक है बच्चों तो चलो सारे क्या करें आप नोट डाउन से कॉपी में कर लें ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नौ आपका शुरू करते हैं बयालीस ठीक है बोला क्या समझ दोस्तों बोला कि हल करें जीरो दशमलव टू दोस्तों ठीक है समीकरण वन है ठीक है सर समीकरण टू क्या बोल रहा है जीरो दशमलव थ्री बच्चों समीकरण है ठीक है तो दोनों का क्वेश्चन एक बार यहाँ उतार लेते हैं जीरो प्लस दोस्तों जीरो वाई दोस्तों बराबर हो गया वन दशमलव थ्री बच्चों समीकरण बच्चों लोग वन मान लेते हैं ठीक है दोस्तों क्या करो समीकरण टू को भी यहाँ पे उतार लेते हैं दशमलव थ्री सॉरी जीरो समल लो जो दशमलव हो जाएगा फोर दोस्तों ठीक है जीरो समल लो कितना होगा फोर आपका ठीक है एक्स हो गया प्लस दोस्तों हो गया आपका जीरो दशमलव फाइव वाई फिर उस हो जाएगा बराबर टू दशमलव थ्री दोस्तों ठीक है समीकरण दोस्तों आपका ये टू बच्चों ठीक है तो क्या करते हैं कि समीकरण वन और टू में से क्या करते हैं कि हम लोग गुना करते हैं दस से बच्चों ठीक है दस से क्या करते हैं समीकरण वन टू में से गुना कर देते हैं ठीक है समीकरण वन टू दोनों क्या करते हैं दस से लोग गुना कर देते हैं क्योंकि बच्चों क्या होगा सब पॉइंट सब क्या होगा हट जाएगा तो ठीक है तो गुना जब कर रहे हैं क्या हो जाएगा समझिए कि जब गुना करेंगे दोस्तों समझेंगे ना तो सब क्या होगा पॉइंट पूरा हट जाएगा सिर्फ बच जाएगा टू एक्स प्लस हो जाएगा थ्री वाई तो बराबर से हो गया वन पॉइंट वन देखते रहे दोस्तों ठीक है तो आपका ये मान लेते हैं समीकरण दोस्तों आपका थ्री हो गया दोस्तों ठीक है दोस्तों नेक्स्ट आपका हो जाता है चलिए देखिए इसमें क्या करें करेंगे दोस्तों गुना किया तो कितना हो गया फोर एक्स प्लस दोस्तों हो गया फाइव वाई दोस्तों बराबर हो गया टू दाइस दोस्तों हो गया आपका ठीक है यानी कि जो समीकरण ये फोर हो गया दोस्तों ठीक है तो क्या करें समझ दोस्तों क्या आपको देखिए इसमें हम लोग फोर को यानी कि बराबर करते हैं एक्स का वैल्यू क्या करेंगे हम लोग कि समीकरण लिखेंगे समीकरन, समीकरन थी में, थी में टू से गुना करने पर दोस्तों समीकरण समीकरण थ्री में क्या करते हैं टू से गुना करते हैं क्या करेंगे दो से गुना करेंगे हम लोग ठीक है गुना कर देते हैं दो तो दुनिया चार एक्स हो जाएगा प्लस दोस्तों तीन दुनिया छे वाई बराबर तो बारह दिन तेरह दिन छब्बीस हो गया हैं बच्चों क्या करेंगे गुना करते हैं फाइव ठीक है समीकरण हो अब चलिए क्या करते हैं समीकरण हम देखिए दोनों जोड़ देते हैं ठीक है लिखते है समीकरण समीकरण फाइव और फाइव एवं फाइव और फोर को घटाने पर दोस्तों ठीक है घटा देते हैं घटाने पर दोस्तों दोनों तो क्या कहते हैं घटाते हैं दोस्तों ठीक है घटाते दोनों दोस्तों देखिए लिखना पड़ेगा आपको समीकरण फाइव तो फोर एक्स था प्लस हो गया थ्री सिक्स वाई बराबर हो गया तो छब्बीस दोस्तों ठीक है और समीकरण हो तो गया फोर दोस्तों ठीक है फोर एक्स प्लस दोस्तों हो गया फाइव वाई बराबर हो गया सो दोस्तों ठीक है दोनों क्या कहते हैं तो साइंस आपका सो चेंज होगा चेंज कर दिया ठीक है चलो दोस्तों कहते हैं आपका क्या कि दोनों से जो कट जाएगा कट देंगे सिक्स वाई में से घट जाएगा आपका सिक्स वाई में से क्या हो जाएगा घट जाएगा तो आपका कितना घट जाएगा फाइव बजे बचेगा सिर्फ वहाँ वाई बचेगा उसको बराबर हो गया छब्बीस में से घट जाएगा आपका ताईस सौ सो तो तो कितना बचेगा आपका तो आपको तो बच जाएगा यहाँ पर बच जाएगा आपका तीन बच जाएगा ठीक जाए वाई का वैल्यू तीन सौ आ गया सही सौ अब लिखते हैं क्या हम यहाँ पर कि वाई का मान वाई का मान समीकरण कितने रख सकते हो समीकरण हलो रख सकते हैं समीकरण हलो रख देते हैं दोस्तों इसमें फाइव में ठीक है वाई का मान समय किसम नहीं रख सकते हैं आपका मर्जी ठीक है समीकरण समीकरण फाइव में रखने पर ठीक है रखने पर दोस्तों ठीक है रख देते हैं वाई का मान तो इसमें तब हो गया फोर एक्स दोस्तों प्लस हो गया सिक्स और वाई का मान तो थ्री हो गया ठीक है बराबर से हो गया एक बार छब्बीस दोस्तों ठीक है आपका हो गया दोस्तों फोर एक्स का फोर लिखेंगे प्लस दोस्तों छो ती एप का होगा अठारह सौ ठीक है बराबर से हो गया को छब्बीस दोस्तों ठीक है फोर एक्स बराबर से हो गया इसको क्या करेंगे साइड ले जाएंगे तो आपको अठारह घट जाएगा ठीक है फोर एक्स बराबर हो गया छब्बीस में घटे अठारह सौ कितना बचेगा आपका अठारह तो बचेगा आपका सब बच जाएगा यहाँ पर आठ बचेगा उसको ठीक है अठारह घटेगा छब्बीस तो आठ में बचेगा आपका, तो बच आपका तो दस बचेगा छब्बीस में जब घट जाएगा अठारह सौ कितना बचेगा तो आठ जो सोलह दो में जाएगा एक दो अठारह ठीक है आपको क्या करेंगे लोग यहाँ पर काट देंगे ठीक है तो कितना हो जाएगा चार चार होते हैं अट्ठारह स्टार से कर देगा चार्च हो गया तो आप हो गया टू दोस्तों का आंसर हो गया ठीक है चलिए तैतालीस है कि किसी एपी का प्रथम पद पांच है अंतिम पद पैतालीस है और योग चार सौ है पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञान पर क्वेश्चन दोस्तों हो गया ठीक है चलिए इसका सोलूशन करते दोस्तों ठीक है दोस्तों पहले क्या बोला गया था आपको समझेंगे ना यानी कि प्रथम पद जब बोला प्रथम कितना आपका एपी का प्रथम पद आपका कितना पाँच प्रथम पद मतलब ए दोस्तों ये आपको कितना दिया दोस्तों आपका पाँच दिया दोस्तों ठीक है बच्चों अंतिम पद उसका ऐसा लास्ट बोला गया क्या हो लास्ट जो आपको नंबर था जो इसको मानते हैं एल मानते थे सो तो एल ठीक है बच्चों क्या है कि आपको अगर ये बोला गया कि योग योग यो, कितना से आपका यानी कि एस दिया बच्चों एस ठीक है एस कितना सो आपका हो गया ठीके? चार सौ सो हो गया ठीक है चार सौ इसमें सूत्र उसको निकालने का होता है का समझा गया ना तो बच्चों इसमें पहले फाइन करेंगे लोग एन का वैल्यू फाइन करेंगे समझे दोस्तों चलिए पहले एन का वैल्यू हम लोग फाइन जो कर लेता हूँ कि पहले लिखेंगे फॉर्मूला सूत्र क्या होता है कि एन बटर टू ए प्लस वन बराबर तो आपको हो जाएगा प्लान ठीक है अब सब क्या करना है कि एन का तो वैल्यू हमको तो मालूम है नहीं दोस्तों तो एन तो हम निकाल नहीं सकते हैं ठीक है एन तो लिख निकालना पड़ेगा बटर टू तो ए का सो तो कितना वैल्यू आपका पाँच है प्लस प्लस हो, प्लस हो गया वन का वन लिखेंगे अब बराबर से कितना पाँच एस का वैल्यू कितना होता आपका एस का वैल्यू चार सौ तो चार सौ को तो यहाँ लिख देना ठीक है अब सो क्या करेंगे समझ आ गया दोस्तों की अब सो क्या करेंगे सिंपल से कुछ नहीं करना बस बहुत आसान था दोस्तों एक का तो वैल्यू बच्चों एल ठीक है तो यहाँ एल का वैल्यू कितना था बच्चों एल का वैल्यू आपका देखिए पैंतालीस था तो बच्चों पैंतालीस आपको डालना है ठीक है पैंतालीस डाल देंगे आप समझे कि नहीं पैतालीस डालने के बाद देखिए उसको क्या करना है कि अब दोनों को देखिए जोड़ देंगे आपस में ठीक तो 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 है एन बटर टू फिर क्या करेंगे कि पैंतालीस सौ पाँच कितना हो जाएगा सबको हो जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा आपका पचास सौ कितना हो जाएगा आपका पचास ठीक है तो पचास लिख देंगे बराबर से हो गया आपका चार सौ सौ ठीक है चार सौ दोनों होने के बाद समझिए दोस्तों क्या देखिए सब दोनों क्या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है तो हो गया आपका पचास एन ठीक है बच्चों ये टू जो 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 टू का टू यहाँ रहेगा समझेगा ना अगर काटेगा तो काट भी सकता कोई था, था? 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 है कोई दिक्कत नहीं दोस्तों ठीक है देखिए क्या होगा कटेगा तो काट देते हैं तो कर जाएगा दो सौ दो पच्चीस पच्चीस दोनों पचास सौ तो हो जाता है ठीक है तो हो जाएगा पच्चीस एन बराबर सो तो चार सौ उस ठीक है फिर क्या करेंगे तब कुछ जब निकालना है बच्चों एन का वैल्यूज क्या करेंगे पच्चीस को नीचे भाग दे देंगे दोस्तों ठीक है पच्चीस उसको काट देंगे ठीक है तो पच्चीस से कट जाएगा तो पच्चीस से कटेगा जब पच्चीस का पच्चीस पच्चीस दिन पचास पचास सौ ठीक है और यह पाँच पचास पच्चीस सौ हो जाएगा और पाँच अठाईसों चालीस हो जाएगा ठीक है बच्चों और जीरो का जीरो तो जाएगा ठीक है फिर फिर कटेगा पाँच सौ तो पाँच एक का पाँच हो जाएगा छः पाँच आठ तीन बचेगा पाँच तीन बचेगा दोस्तों तो तीन आपका हो जाएगा तीस बने गया ठीक है छाँच छः का तीस दोस्तों ठीक आपके सोलह बच्चों आपके एन का वैल्यू सो आ गया ठीक है दोस्तों सोलो आपको यहाँ पर क्या करना है एन का वैल्यू उसको निकल गया आपका ठीक है और उसको क्या करना है इसमें से आपको निकालना है इसमें दोस्तों आपका क्या निकालना इसमें अब उसको निकालना आपको इसमें ए नि, दी निकालना। दी डी निकालना डी तो डी निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा आपको और जहाँ पर आप जो आपका एल था तो एल बराबर क्या होता है कि ए एन दोनों बच्चों बराबर दोनों का मार्क्स पैंतालीस आपका दिया होता है ए एल का भी और ए एन का भी दोनों वैल्यू क्या होता है आपका दोनों सेम दोनों का वैल्यू आपको दिया होता है पैतालीस दोस्तों ठीक है तो क्या करें यहाँ पर दूसरा फॉर्म लगाएंगे तो ठीक है तो ए प्लस एन माइनस दोस्तों होता है वन ठीक है आप क्या हो पैतालीस दोस्तों ठीक है पैतालीस किसका तो पैंतालीस यानी के एल आपका दिया हुआ था एल ठीक है एल आप बोले या फिर उसको हम लोग ए एन बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं ए एन ठीक है तो एन भी बोल सकते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं दोस्तों ठीक है तो ए का सो वैल्यू कितना आपका है ए का वैल्यू तुमको तो मालूम था कितना था पाँच दो तो प्लस था कि एन का वैल्यू क्या करना आपको यहाँ पर भर देना ठीक है माइनस वन हो गया और डी का कितना इतना वैल्यू तो डी का वैल्यू नहीं मालूम मारो यही तुमको निकालना शर्व आता है उसमें ठीक है ए एन कितना दिया आपका पैंतालीस दिया हुआ ठीक है तो वो क्या करना है आपको पैंतालीस दोस्तों आपका लिख देना ठीक है जैसे आप चलते आगे कि आपको देखिए सिंपल दोस्तों क्या करना है कि पाँच प्लस हो गया कि जब हम लोग हटा देंगे साठ सोलह तो तो में हटाएंगे वन दो कितना होगा आपका तो पंद्रह बचेगा दोस्तों ठीक है गुना से कितना हो गया आपका डी ठीक है बराबर हो गया दोस्तों पैंतालीस दोस्तों ठीक है होने वास्तव समझिए दोस्तों कि आपका सिंपल से हो गया पंद्रह डी बराबर से हो गया पैंतालीस बच्चों तो ये पाँच आपका चल जाएगा इस साइड दोस्तों ठीक है 15 जाएगा। जाएगा। तो पंद्रह सौ डी बराबर मतलब बराबर होगी पैंतालीस में घटेगा पाँच सौ कितना उसको चालीस बच जाएगा दोस्तों ठीक है डी दोस्तों बराबर कितना निकल गया दोस्तों फाइनली निकल जाएगा चालीस बट्टा पाँच दोस्तों ठीक है पंद्रह सौ नीचे चला गया आपका ठीक है कटेगा तो काट देगा तो काटेंगे पाँच दी वस हो जाएगा पंद्रह अब पाँच अठी सौ चालीस यानी कि डी बराबर निकल गया आपको आठ बट्टा तीन दोस्तों निकल गया ठीक है दोस्तों आपका तो ये हो गया आपका आंसर दोस्तों ठीक है यानी कि डी भी निकल गया दोस्तों आपका और बच्चों एन भी निकल गया आपको दोनों बच्चों निकल गया ठीक है बच्चों इसको क्या करें आप कॉपी से नोट डाउन कर लीजिए ठीक तो ना आपका आपका है आपके लिए चालीस दोस्तों क्या बोलिए सिद्ध करें कॉस ये बटा वन प्लस साइन ये बच्चों. प्लस दोस्तों हो गया वन प्लस साइन ये बटा कॉस ए बराबर टू से दोस्तों ठीक है पच्चीस को क्या करना है आपको प्रूफ दोस्तों करना ठीक है आपको तो सिंपल बच्चों को क्या करें कि आप एल एच एस से अगर हम लोग आर एच एस को प्रूफ करेंगे तो एच एप आर एच एस से हो एल एच का प्रूफ दोस्तों करेंगे ठीक है चल दोस्तों हम लिखते पहले एल एच एस हम आर एच एस को प्रूफ करते चलो एक साइड को लिख लेते हैं इसको बोलते हैं एल एच एस बच्चे इसको बोल इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों ठीक है पच्चीस साइड को बोलते हैं एल एच एस ठीक है लिख लेते हैं कॉस ए बटा हो गया तो वन प्लस साइन ए दोस्तों ठीक है प्लस दोस्तों हो गया वन प्लस साइन ये दोस्तों हो गया बटास हो जाएगा आपका कॉस ये दोस्तों ठीक है तो इसको क्या करें इससे हम लोग ये बल्लस प्रूफ करेंगे निकालेंगे दोस्तों ठीक है इसी से सिर्फ ठीक है देखिए उसको क्या करेंगे आगे आप कि जब भी इस तो इस तरह से रहेगा दोस्तों पहले क्या करेंगे दोनों को पहले हम लोग देखिए भिन्न का जोड़ देखिए दिख रहा है बीच में तो ठीक है तो क्या करें दोनों को पहले हम लोग गुना निकाल लेंगे एल सी एम ठीक है तो वन हो जाएगा दोस्तों वन प्लस साइन ए ठीक है तो गुना हो गया आपका कोस दोस्तों ये हो गया ठीक है

तो जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों टूट जाएगा आप ये समझ समझेंगे ना तो उसको पहले तोड़ लेते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस दोस्तों हो गया आपका ए का स्क्वायर प्लस दोस्तों हो गया आपका टू साइन ए दोस्तों ठीक है प्लस दोस्तों आपका हो जाएगा साइन का स्क्वायर ये दोस्तों ठीक है बच्चे इसको अगर समझना चाहता है अच्छा तरीका से तो चलिए बता देंगे और नेक्स्ट में आपको ठीक है अभी जरा सा शॉर्ट में जो चलते हैं बहुत टाइम लगता है सोल्यूशन इसलिए इसीलिए जल्दी शॉर्ट शॉर्ट से जल्दी करके निकल जाते हैं ठीक है दोस्तों ठीक है आगे आपको दिक्कत होगा तो कमेंट जो कीजिए फिर इसमें से आपको सोल्यूशन कर दूंगा ठीक है फिर क्या कॉस इसको इसको आप क्या करेंगे दोस्तों इससे हम लोग इसको उतार देंगे जैसे ठीक है वन प्लस साइन ए दोस्तों ठीक है गुना तो हो गया आपका कॉस ए दोस्तों ठीक है जिसकी लिए पाते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस उसको हो जाता है आपका साइन स्क्वायर ए दोस्तों ठीक है दोनों बच्चों क्या कर एक साथ में लिख पाते हैं प्लस उसको हो गया वन का स्क्वायर तो आपका वन ही होगा ठीक है प्लस उसको हो गया आपका यहाँ पर कि टू साइन ए बच्चों बच जाएगा ठीक है बटा बटास आपका हो गया वन प्लस साइन ये दोस्तों ठीक है तो गुना हो गया उस आपका कॉस ये दोस्तों ठीक है बच्चों आपको ये हो गया इतना इतना करने वाला समझिए इस आगे क्या होगा कि आपको सिंपल से दोस्तों की स्कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर जो फॉर्मूला आपका होता है वन दोस्तों इतना दोस्तों होता था वन तो वन लिख देना है प्लस आपका वन लिख यहाँ पर दिया गया था प्लस दोस्तों आपका होगा टू साइन ए दोस्तों हो जाएगा ठीक है बटा बटास कितना हो गया आपका वन प्लस साइन ए ठीक है फिर उसको क्या होता है कि प्लस दोस्तों हो जाएगा सॉरी गुना तो हो जाएगा आपका कॉस ए दोस्तों हो जाएगा ठीक है देखिए बच्चों क्या हो समझ गया समझ आ गया आपकी वन वन दोस्तों आपका गया दोनों जुड़ गया तो हो गया टू दोस्तों हो गया प्लस दोस्तों हो गया टू साइन ए दोस्तों हो गया ठीक है बटास्तों आपका हो गया वन प्लस साइन ए गुनास तो हो गया कॉस ए दोस्तों ठीक है यानी कि कॉस ए तो बच्चों देखिए आगे क्या करना है कि बच्चों देखिए समझिए आ गया कि आप देखिए इसमें से क्या करना है कि हमको इसको कॉमन निकाल लेना टू दोनों दो दो, दो, दो दो क्या होगा आपका दो बाहर से कॉमन निकल देना टूरी कॉमन निकाली वन प्लस साइन बच्चे, बच्चे, बच्चे।, बच्चे का अच्छे बच्चे का साइन ए बच्चों ठीक बच जाएगा आपका ये बटा सो क्या बचेगा आपका वन प्लस साइन ए गुनासो बच जाएगा कॉस ये दोस्तों ठीक है इतना तो बच गया तो ये से ऊपर नीचे क्या पास में कट गया ठीक बच्चों क्या बच्चा बच गया फाइनली आपका टू थ्री पर बचेगा नीचे बचेगा आपका ये दोस्तों ठीक है कॉस ये बच जाएगा ठीक है बच्चा तो समझिए आप दोस्तों की अब देखिए यहाँ से जरा सा हल्का सा देख लीजिए आप थोड़ा सा बचा हुआ ठीक है टू का टू जहाँ लिखा हो इसको हम लिख लिखाते हैं वन बटा कॉस्ट ये लिखवा हैं ठीक है अब आप कॉस्त वन बटा कॉस्ट लिख लिखवाते हैं हम लोग की सेक लिखाते हैं ठीक है लिख लिखते हैं सेक ये दोस्तों सेक ऐसे सेक ये दोस्तों ठीक है बच्चों आपका ये हो गया आंसर दोस्तों फाइनली ठीक है तो बच्चों आपका ये आंसर दोस्तों हो गया समझा गया नहीं चलिए आपको यहाँ तक प्रूफ दोस्तों हो गया तो प्रूफ लिख लिखाते हैं पी आर ओ वी ए डी प्रूफ बच्चों ठीक है टू बच्चों इस तरह को आगे कुछ कॉपी नोट डाउन कर रहे मैं क्लियर कर दिया उसको ठीक है चलते चलते आप नेक्स्ट भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा दिए गए हुए त्रिभुज के संगत भुजाओं की दो बटा तीन गुणी वस्तु तो तो चलते इसका बनाना पड़ेगा फिगर आप लोग क्या करें बनाने और क्या करना है पेंसिल बच्चों इंच और पेंसिल स्केल और पेंसिल दोस्तों लेके बैठे ठीक है इरेजर दोस्तों ताकि बच्चों मिटाने में दोस्तों कोई दिक्कत ना हो सबको ठीक है चल चलते दोस्तों स्केल पे स्केल स्केल से पहले एक दोस्तों लेना ठीक है स्केल लेने के बाद तो क्या करना है कि लाइन खींचना पहले छः सेंटीमीटर को बोला सबसे बड़ी लाइन तो को छः सेंटीमीटर ठीक है छः सेंटीमीटर उठाकर था दोस्तों खींच लीजिएगा आराम से ठीक है आराम से खींचने के बाद दोस्तों लिख दीजिएगा आपको छः सेंटीमीटर से ठीक है फिर उसके क्या करना है आपको नेक्स्ट आपको यहाँ पर आपको लिखना है बी सी बच्चों आपका नाम जो है आपको नाम दे देना है बी सी तेब के नाम से ठीक है अब उसको क्या करना है कि एक लाइन जो फिर अब खींचना ही देख रहे हैं चार सेंटीमीटर ठीक है चार सेंटीमीटर से ऊपर आप खींच लीजिएगा कहीं पर भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं तो चार सेंटीमीटर बढ़ा करके इच इंच नाप करके खींच लीजिएगा ठीक है खींचने के बाद उसको करना है कि आपको जस्ट इसको इससे क्या करना है मिला देना बच्चों ठीक है क्योंकि आपको जो क्या बोलते हैं परकर जैसे होता है ना तो परकर से आपको अच्छी तरह से उसको नब्बे डिग्री काट के उसे अच्छा कौन ठीक है काटने के बाद उसको क्या करना है आपको मिलाना ठीक है और क्या करना है कि उसको नीचे भी क्या करना है कि उस लाइन खींच लीजिएगा इस तरह से ठीक है नीचे क्या करना है उससे लाइन इस तरह से खींच लेना ठीक है तो लाइन खींचने के बाद उसको क्या करना है कि इसको आप समान दूरी में क्या करें कि इस तरह बच्चों इसको यहाँ से काट लें ठीक है क्या करें समान दूरी में इसको उसको काट लें ऐसे ऐसे अरे देखो ऐसे दोस्तों ठीक है इस तरह से जो काट लें ठीक है काटने के बाद दोस्तों क्या करना है आपको सिंपल से इसका नाम दे दीजिए आप एक का नाम है ए दोस्तों ठीक है इसका नाम ए बीस तीसरे उसका नाम हो गया ठीक है अब उसको क्या करना है कि इसको इससे आप क्या करना है आपको मिला देना सिंपल सी ठीक है इसको क्या करना है इससे आपको मिला देना ठीक है मिलाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चांद का दाग दे दीजिएगा ताकि जब लगे कि चांद से काटा आएगा ठीक एग्जाम में समझेंगे ना अगर सही से नहीं से से कट पाएगी तो एग्जाम में क्या कीजिए चोरी करने सीखिए थोड़ा समझेंगे और दाग दीजिएगा उसको तो थोड़ी नापने जाएगा उतना कि मतलब सही होगा ठीक है तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं इसको यहाँ दाग दे सकते हैं अगर जल्दी करना पड़ो तो शॉर्टली ठीक है दोस्तों तो देखिए इस तरह से क्या करें यहाँ पर उसको काट लेना है पे इसको क्या करना आपको इस तरह से दाग दे देना उसको ठीक है ताकि उसको लगेगा यहाँ मार क्योंकि कि तो सही से उससे नाप के काट आती है उसको इसको क्या करना फिर इसको यहाँ सेम टू सेम बच्चों मिला देती है कलर तिरछा करके उसको ठीक है अब बच्चा पेंसिल से बनाइएगा इसको ठीक है हम तो पेन से बना रहे हैं आप तो पेंसिल से एग्जाम में बनाइएगा देखो यहाँ पर नंबर कट जाएगा ठीक है मेरा तो कोई नंबर नहीं कटने वाला है लेकिन इसका नाम दे दीजिएगा बी वन देखिए यहाँ बी तो बी वन दोस्तों देना है फिर यहाँ पर उसको बी टू देना फिर उसको आपको नाम दीजिएगा बी थ्री दस ठीक है बच्चे इसका नाम दीजिएगा सी भी आपको यहाँ पर सी डेस दीजिएगा नाम ठीक है इस तरह आपको सिर्फ ड्रॉ करना चाहिए आपका नंबर बच्चा चार नंबर आपका हाथ में उसको हो जाएगा ठीक है तो बहुत ही सिंपल था उसमें वीडियो कैसा लगा चलो देखिए नेक्स्ट दोस्तों वीडियो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है क्वेश्चन नंबर चार फॉर्म था वही ठीक है एक विधि का चित्र था का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए परिधि बाइस फट्टा बाईस सेंटीमीटर उसको ठीक है तो चलो दोस्तों इसको हम निकालते हैं पहले सुनिए का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या समझ समझिए आगे दोस्तों की करना है आपको यही काम कि आपको लिखना पहले यहाँ परिधि आपको दिया हुआ है ठीक है परिधि

सेवन गुना तो आपका आर बच जाएगा ठीक है अच्छा जब इसको हम क्या क्या इधर क्या साइड ले आएंगे तो ठीक है तो क्या होगा आर बार आप निकल जाएगा सात बटा टू तो निकल जाएगा आपका साथ चल जाएगा ऊपर नीचे ठीक है बच्चों अब निकालना हमको चाहे विद्ध का क्षेत्रफल तो निकालना ठीक है तो विद्धित का क्षेत्रफल क्षेत्र तो क्या होता है विद्धि का क्षेत्रफल दोस्तों ठीक तो यह है तो सूत्र सूचकर ये होता दोस्तों कि पाई

ठीक है तो सर ग्यारह गुना करेंगे सात को कितना सौ हो तो जाएगा आपका, आपका? तो हो जाएगा आपका ग्यारह सत्रह सतर बटा सौ हो गया आपका सात दो टू दोस्तों ठीक है तो सब निकल जाएगा ये वैल्यू आपका जो निकल गया आंसर समझिए सतहत्तर बटा टू दोस्तों ठीक है चलिए सर वीडियो समझिए वीडियो को लाइक से कमेंट करना ना भूलना जय हिंद जय वंदे मातरम दोस्तों ठीक है